भ्रष्टाचार की गंगा में जितना हाथ चाहे उतना धो लीजिए, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं और कार्रवाई का क्या? खद्दरधारी पर हाथ डालना आसान है क्या? जायसवाल साल 2008 में जिला पंचायत के सदस्य थे, साथ में ठेकेदारी भी करते थे। उन्होंने अपनी ही ठेकेदारी में 19 लाख की लागत से महेशपुर के दो मुहान नाले पर एक पुलिया बनवाई, लेकिन भ्रष्टाचार की रस्म यहाँ भी निभाई गई। पुलिया बनी लेकिन रकम ठेकेदार और अधिकारियों ने बिना टकराए अब भ्रष्टाचार की पुलिया की जो उम्र होनी थी उसी के मुताबिक वो पहली ही बारिश में अपने अंजाम को पहुंच गई। लेकिन नेताजी को जनता की चिंता थी, लिहाजा तुरंत हरकत में आए और मरम्मत के नाम पर 19 लाख फिर स्वीकृत करवा लिए। लेकिन आरटीआई से नेताजी के पुर्ते की कलप धुल गई। इसमें दो मुहान नाला जो बलरामपुर और अंबिकापुर मार्ग में महेशपुर ग्राम पंचायत में है, वर्ष 2007-08 में लोक निर्माण विभाग को उत्तर सरगुजा विकास प्राधिकरण मत से 19 लाख रुपया एक पुलिया निर्माण के लिए दिया गया, जिसमें एक ठेकेदार वो वर्ग ठेकेदार ओम प्रकाश जायसवाल जो कि उस समय जिला पंचायत सदस्य थे उनके द्वारा उक्त पुलिया का निर्माण किया गया, जो पुलिया निर्माण वर्ष 2010 में कम्प्लीट हुआ तथा 2010 के बाद पहली बरसात में वो पूरी पुलिया बह गई। बहने के बाद उसका शिकायत हुआ, शिकायत होने के बाद पुनः फिर से वर्ष 2011 में रोजगार गारंटी योजना के नाम से विंग वॉल एप्रॉन निर्माण करने के लिए 19 लाख रुपए फिर से आवंटित हुआ। विंग वॉल निर्माण न करके उस पुलिया का मरम्मत करवा दिया गया। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर जांच हुई, आरोप सही निकले, लेकिन तब तक ठेकेदार जिला पंचायत के सदस्य से तरक्की कर उपाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच चुके थे। अब माननीय और उनके हमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। इधर आरटीआई कार्यकर्ता ने मामले की शिकायत संभाग आयुक्त, मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री से भी कर दी है, लेकिन अब तक तो उसे कार्रवाई के आश्वासन ही मिल रहे हैं। शिकायत तो प्राप्त हुई, 4 दिन पहले प्राप्त हुई है और उसको कार्रवाई के लिए फिर से उसका परीक्षण करना होगा। इस संबंध में अपने कमिश्नर साहब के समय रखा गया है उसको, तो छुट्टी पे है, जैसे आएंगे तो उस पर जो है आदेश पारित होगा, फिर से मैं उसको जो है जाकर के फील्ड में वेरिफिकेशन करूंगा और इसके बाद आगे कार्रवाई की जाए। नियम तो ये कहते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि ठेकेदारी नहीं कर सकता, लेकिन जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का? जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का क्या होती रहेगी? ईटीवी न्यूज के लिए सरगुजा से अमितेश पांडे की रिपोर्ट। और इसी खबर पर सहयोगी अमितेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि नियमों के तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर ठेकेदारी नहीं कर सकता है वैसे, तो यहाँ पर जो ओम प्रकाश का जो नाम है जायसवाल जी जो यहाँ पर जुड़े हैं ठेकेदारी के नाम पर, इन पर आरोप लगाया गया है, इसके बावजूद इनको कैसे यहाँ पर लाइसेंस दिया गया है ठेकेदारी का? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि अधिनियम नियम जो होता है उसके तहत कोई भी जनप्रतिनिधि किसी प्रकार की कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं बनवाया जा सकता है। तो फिलहाल सपला उनके ठेकेदारी करने का नहीं, बल्कि उनके ठेकेदारी में जो पुलिया उन्होंने बनाई थी उसकी पहले की बात है, क्योंकि 2009 में ये पुलिया जो बन के प्रयास हुई और पहली बरसात में जब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, पुलिया का एक पाव बह गया, उन्होंने अपनी जब तरकीब के तहत फिर से उसको 19 लाख का जो है सेंशन करा लिया और 19 लाख और पिछला 19 लाख मिला के 38 लाख में 19 लाख की पुलिया बनाई। फिर पुलिया की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी ने की है। दिनेश सोनी आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद पूरे मामले की जाँच की और जाँच पिछले दिनों तक चली की जो जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश जायसवाल जी है वो उपाध्यक्ष बन गए जिला पंचायत की और इसी जिला पंचायत पर उनको जो राशि स्वीकृत हुई थी जिला पंचायत के माध्यम से हुई थी, जबकि जो एजेंसी थी वो पीडब्ल्यूडी थी। तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा इंजीनियरों की मूल्य भगत से उन्होंने दोबारा 19 लाख रुपए सेंशन कराकर उसमें निकापोती कर दी। फिलहाल जो जाँच रिपोर्ट आई है, जाँच रिपोर्ट में एकदम पूरी तरह से साबित हो गया है कि जो पुलिया की अभी भी जो हालत है, 38 लाख रुपए खर्च करने के बाद 19 लाख की पुलिया में 38 लाख खर्च होता है, उसके बाद भी जो अभी स्थिति है वो वक्त से बदतर स्थिति है। कोई भी भारी वाहन उस पर निकल जाए तो पुलिया कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिस प्रकार तकनीकी सहायक और समन्वयक और इसके अलावा जो टीम है ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से उनके द्वारा जांच की गई बताया, और जांच रिपोर्ट में साफ आया है कि जो पुलिया अभी भी किसी स्थिति में है वो स्थिति
किसी भी तरह पुलिया को सुरक्षित नहीं रख सकती है, पुलिया कभी भी रह सकती है। तो कुल मिलाकर अब जब कार्रवाई की बात आती है, क्योंकि हर मामले में यह आती है कि जांच कराई जाएगी, लेकिन पूरे मामले में जांच हो चुकी है, जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सत्ताधारी दल के नेता है जो उपाध्यक्ष है सत्ताधारी दल के है और क्षेत्र के उम्मीदवार पूर्व मंत्री के भी खास माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि उन पर कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव है और शायद यही वजह है कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी अमितेश, जैसे कि 2009 का ये मामला है और ठेकेदारी का यहाँ पर उनके ऊपर आरोप भी है और कोई यहाँ पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। इसके पीछे जैसे कि आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो रसूखदार लोगों से उनका नाता यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सवाली निशान उन पर उठ रहा है कि उनका बचाव पक्ष इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा। अमितेश, साफ साफ तौर पर ये कह दिया जाए कि ये रसूखदार लोग हैं और इन पर प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं बचता दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अमितेश पांडे हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि ये 2009 का मामला है और नियमों के तहत कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर ठेकेदारी का काम नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मामला सामने आया है जिस पर आरोपी जो है वो रसूखदार है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पर उन पर कार्रवाई करते हुए बचती नजर आ रही है। यहाँ पर रुकते